एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परूज स्टाइल कॉर्नर। तो आज का जो हॉल वीडियो है वो फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुर्ताज, कुर्ता सेट, टॉप्स, ट्यूनिक्स और एथनिक सेट भी है, जिसमें जैकेट, प्लाजो एंड क्रॉप टॉप है। तो काफी सारी चीजें हैं आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये कलेक्शन पसंद आएगा जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, ऑल वीडियो जो मैंने काफी सारी शेयर करी हैं आपके साथ डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक क्रॉप टॉप्स, टॉप्स, साड़ीज, लहंगास और कुर्ता, कुर्ता सेट्स। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाके देख लेना, मैं प्रीवियस वीडियोस जो भी हैं उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ये देखिए, तो जो फर्स्ट है मुझे दिखाने के लिए वो है ये कुर्ता। ये फैब्रिक पॉली चंदेरी में है, चंदेरी फैब्रिक है इसका। इसकी ब्रांड है दीर्जा फैशन और साइज इसमें मेरा स्मॉल है गाइस। इस कुर्ता में थ्री कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, फ्यूशिया हॉट पिंक जो कलर होता है वो, ग्रीन और ये मरून कलर। मैंने ये मरून कलर ऑप्ट किया। तो इसकी ब्रांड मैंने बता दी है, दीर्जा फैशन है। ये स्ट्रेट फिट कुर्ता है। इसके आप नेक पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए गोल्डन थ्रेड से पूरे पे एम्ब्रॉयडरी की गई है और सीक्वेंस, मतलब यहाँ सितारे सितारे भी यूज किए गए हैं एम्ब्रॉयडरी में। पूरे में सितारे हैं जो गोल्ड थ्रेड से स्टिच्ड है। ये देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्लीन एंड फाइन एम्ब्रॉयडरी है इसकी और क्वालिटी फैब्रिक की बहुत ही अच्छी है। एकदम फेस्टिवल या किसी स्पेशल ओकेजन में पहनने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है ये कुर्ता। और आप इसके क्लोथ पे देख पा रहे होंगे, पूरे में ये देखिए गोल्डन थ्रेड से सेल्फ डिजाइनिंग है। देखिए तो पूरा नीचे तक ऐसा है, फिर ये प्लेन है, बैक से भी ये प्लेन है। इस कुर्ते में ये देखिए अंदर पूरे में ये कॉटन की इन्होंने यहाँ लाइनिंग लगा रखी है मरून कलर के क्लोथ की। जिसमें मुझे प्लाजो रिसीव हुआ है और एक अंगरखा टाइप स्टाइल में कुर्ता है। तो देख लेते हैं इस सेट को। ये देखिए ये लेमन येलो कलर में है और इसकी ब्रांड है अनमी। साइज है मेरा इसमें स्मॉल। तो ये चंदेरी फैब्रिक में है, ये भी चंदेरी और कॉटन कुछ फैब्रिक ये मिक्स है। ये देखिए इसके नेक पे आप देख पा रहे होंगे गोटा पट्टी की डिटेलिंग की गई है, इस टाइप का वी नेक है। और ये जो आप इसे बूटी बूटी देख रहे हैं ये गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई है। स्लीव्स इस टाइप की है, थ्री क्वार्टर स्लीव्स है। इस पे भी ये देख पा रहे होंगे एम्ब्रॉयडरी है गोल्डन थ्रेड से। फिर ये ए लाइन फ्लेयर्ड कुर्ता है, ये देखिए। और इसके नीचे बॉटम पार्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग की गई है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे टैसल्स लगा रखे हैं जिसे आप पीछे ले जाके एज ए बेल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बैक से मैं दिखा देती हूँ, बैक से भी इन्होंने यहाँ पे ये देखिए थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई है गोल्डन थ्रेड से बैक पोर्शन में इसके। और फिर उसके बाद यहाँ बॉटम पार्ट में हेम पोर्शन में जैसे फ्रंट में की गई थी गोटा डिटेलिंग वैसी की गई है। अंदर इसमें गाइज इन्होंने कॉटन की लाइनिंग दे रखी है सेम येलो कलर में। तो बहुत ही
अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी और अच्छा फैब्रिक है और इसमें अंदर लाइनिंग भी प्रोवाइड की गई है तो सी थ्रू भी नहीं रहेगा ये। इसके साथ जो मुझे रिसीव हुआ है प्लाजो वो ये है। आई डोंट नो उन्होंने इस कलर में क्यों प्रोवाइड किया है। देखिए इसके संग ये आई डोंट थिंक ये इतना जा रहा है अच्छे से, तो यही मुझे चीज इसमें ज्यादा पसंद नहीं आई। ये सिल्क फैब्रिक में है पूरा, अंदर कुछ लाइनिंग वगैरह नहीं दी गई है तो सी थ्रू रहेगा, लेकिन आप कुर्ता के नीचे पहनेंगे तो उतना ये चीज मतलब आपको बॉर्डर नहीं करेगी सी थ्रू वाली। तो ये देख लीजिए ये सेमी इलास्टिकेटेड है, पीछे से इलास्टिकेटेड है और इस टाइप का मस्टर्ड डार्क मस्टर्ड येलो कलर में है, थोड़ा ऑरेंज मिक्स जो कलर होता है वो ये कलर में इसका प्लाजो दिया गया है। पे आते हैं, टॉप ये लिया है मैंने, ये देखिए इसमें ऐसे वर्टिकल स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। ये है ब्रांड स्टाइल क्वेश्चंट से, साइज है मेरा इसमें स्मॉल। ये देखिए जैकेट स्टाइल में ये कुछ टॉप दे रखा है और इसका फैब्रिक कॉटन, प्योर कॉटन नहीं है, कॉटन मिक्स पॉलिएस्टर फैब्रिक है इसका। स्लीव्स इस टाइप की फुल है। ये देखिए पेपलम स्टाइल में दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे पेपलम स्टाइल में है। और फिर यहाँ पे ऐसे कुछ एसिमेट्रिक इन्होंने यहाँ पे ऐसे डिटेलिंग कर रखी है, मतलब थोड़ा एसिमेट्रिक स्टाइल में आएगा यहाँ पे से। और बीच में इन्होंने ये देखिए ये जिप दे रखी है पूरी, तो आप इसको एज ए जैकेट भी वियर कर सकते हैं या आप इसे टॉप की तरह वियर भी कर सकते हैं, मतलब अंदर आप फिटेड टॉप पहनेंगे फिर ऊपर इसको ऐसे जैकेट डालेंगे तो भी काफी स्टाइलिश लुक देगा ये। देखिए व्हाइट कलर में, आप इसको ड्रेस बोल सकते हैं, ट्यूनिक बोल सकते हैं, लॉन्ग टॉप बोल सकते हैं, जैसे आप इसको वेयर करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये व्हाइट इन कलर में है, मैं इसकी ब्रांड बता देती हूँ, इसमें ब्रांड कार्ट लिखी है, हाँ कार्ट, और साइज है मेरा इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल। इसका फैब्रिक है रेयॉन और ये देखिए इसमें बहुत ही वाइब्रेंट कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई है, वी नेक है और ये जो आप देख पा रहे हैं पूरी एम्ब्रॉयडरी है, डिफरेंट कलर के थ्रेड से यूज एम्ब्रॉयडरी की गई है। स्लीव्स फुल है इस टाइप की, यहाँ पे ये इलास्टिक लगी हुई है, ये देखिए इसमें भी यहाँ पे ये ब्लू कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी है। फिर ये पूरा फ्रॉक स्टाइल में ये एक ट्यूनिक है, नीचे आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे इस टाइप की लेस लगा रखी है यहाँ पे। ऑल दो इट इज व्हाइट, लेकिन फिर भी ये इतना सी थ्रू नहीं है जितना कि व्हाइट्स होते हैं, ये सी थ्रू इतना नहीं है। फिर भी यदि आप इसके अंदर न्यूड ब्रा या न्यूड कैमी पहनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसको ट्राई ऑन हॉल पार्ट में आपको एज अ ड्रेस पहन के दिखाऊंगी, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको एज ए ट्यूनिक पहन सकते हैं, आप इसको पेयर अप कर सकते हैं लेगिंग के साथ, प्लाजो के साथ, ट्राउजर के साथ या फिर शरारा के साथ,
जिस तरीके का आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं उस तरीके से इसको पेयर अप कर सकते हैं डिफरेंट वे में। नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये देखिए, जो मैं एथनिक सेट की बात कर रही थी वो ये है, नेवी ब्लू कलर में है। इसके साथ मुझे एथनिक एक जैकेट, प्लाजो एंड क्रॉप टॉप रिसीव हुआ है। तो पहले मैं इसकी ब्रांड आपको बता देती हूँ। इसकी ब्रांड है जनस्या, साइज है मेरा इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये देखिए, इसके संग मुझे जो श्रग या आप बोल सकते हैं जैकेट रिसीव हुई है वो इस टाइप की है, पॉली जॉर्जेट फैब्रिक में है ये देखिए। और इसमें इन्होंने इस टाइप की ऐसे पट्टी लगा रखी है जिसपे ये गोल्ड फॉइल प्रिंट किया गया है, ये देख पा रहे होंगे आप। स्लीव्स थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, इस पे भी इस टाइप का इन्होंने प्रिंट है, प्रिंटेड क्लोथ लगा रखा है जिसपे ये गोल्ड फॉइल प्रिंट है। इसके संग जो मुझे प्लाजो रिसीव हुआ है वो ये देखिए, ये भी पॉलिएस्टर फैब्रिक में है, इस टाइप का है। नीचे इसके हेम पोर्शन में इन्होंने बॉटम में वही प्रिंटेड क्लोथ लगा रखा है जिसमें इस टाइप की ये देखिए प्रिंट है, ये गोल्ड फॉइल प्रिंट किया गया है। इसके संग मुझे जो क्रॉप टॉप रिसीव हुआ है वो ये देखिए, ये क्रॉप टॉप है और स्लीवलेस है इसमें, ये देखिए पूरा ऐसे गोल्ड फॉइल प्रिंट किया गया है यहाँ पे, और यहाँ नीचे ऐसे गोल्डन गोल्डन इन्होंने यहाँ लगा रखे है, ये आप देख पा रहे होंगे इस टाइप की डिटेलिंग है इसमें। तो ये इस टाइप का पूरा सेट है। ये है ब्रांड ओरिलिया से और साइज है मेरा इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल। ये देखिए, ये चारकोल ग्रे कलर में है और ये एक स्ट्रेट फिट कुर्ता है। तो इसको हम देख लेते हैं इसके नेक से। ये देखिए, इसके नेक पे ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में है, ये प्रिंट किया गया है, ये जो भी आप देख रहे हैं पूरा प्रिंट है। और बीच बीच में ये जो येलो देख रहे हैं वो गोल्ड फॉइल प्रिंट है, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे मेटल का कुछ ये गोल्डन लगा रखा है। तो इसका मुझे कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने गाइस इसको पिक किया, ये चारकोल ग्रे पे ये जो इन्होंने प्रिंट किया है ऐसे पिंक ब्लू में, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था इस। और इसकी स्लीव्स ऐसे थ्री क्वार्टर स्लीव्स हैं, यहाँ पे इन्होंने ऐसे ये कुछ बटन जैसा लगा रखा है सिर्फ शो के लिए। और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसे ओपन स्टाइल में इस टाइप की स्लीव्स दी गई हैं, आप देख पा रहे होंगे ऐसे, बाकी ट्राई ऑन पार्ट में आप देखेंगे। और स्लीव्स में यहाँ पे ऐसे इलास्टिक लगा रखी है, तो इसकी स्लीव्स इस टाइप की हैं। फिर ये पूरा प्लेन है, इसका फैब्रिक रेयॉन है गाइस, और इसमें टैसल भी दिया गया है थिंक, हाँ ये टैसल्स दिए गए हैं जिसको आप ऐसे पुल करेंगे तो ये आपकी वेस्ट से ऐसे टाइट होता जाएगा, तो आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फिटिंग भी कर सकते हैं टैसल्स के थ्रू। ये देखिए, तो देखिए ये पूरा इस टाइप का, फिर नीचे से पूरा ये प्लेन है और बैक से भी ये प्लेन है। Oh, 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 oh
ड्रेस है, मारून कलर में है। जब मैं और भी प्रोडक्ट्स देख रही थी तो मुझे ये दिख गई, तो मुझे मॉडल पे अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। बाकी आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया इसकी क्वालिटी और जो लुक है वो मैंने पहन के देखा, मुझ पे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो थोड़ा लूज था, मे बी ये भी रीजन हो सकता, मुझे क्वालिटी भी उतनी पसंद नहीं आई। पर जितना आप प्राइस इस ड्रेस के लिए पे कर रहे हैं उतना आई थिंक उस हिसाब से ठीक है ये। तो देख लेते हैं कौन सी है इसकी ब्रांड, तो यहाँ मेंशन नहीं कर रही, कर रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां आप जाके आप देख सकते हैं। और साइज आई थिंक इसमें स्मॉल ही ऑर्डर किया था मैंने, तो ये देख लीजिए इस टाइप का इन्होंने ऐसे यहाँ पे ऐसे अलग से एक क्लोथ लगा रखा है जिस पे से यहाँ गैदर डिटेल है, देख पा रहे होंगे आप। स्लीव्स इसकी नेट की है, पफ स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है, ये देखिए। और ये एक मिडी ड्रेस है, फिट एंड फ्लेयर ड्रेस है, फैब्रिक इसका ये पूरा पॉलिएस्टर है। पीछे से इसका नेक देख लेते हैं, पीछे से इसका नेक इस टाइप का है, थोड़ा वी स्टाइल में नेक है इसका पीछे से। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल, ये भी एक टॉप है, ये देखिए पोलका प्रिंट टॉप है, फैब्रिक इसका पॉलिएस्टर है, ब्रांड इसमें स्नैप अप लिख रखी है, साइज स्मॉल है। एक्चुअली इसकी ड्यूलशी करके कुछ ब्रांड थी जब मैंने ऑर्डर किया था, पर यहाँ टैग पे कुछ अलग ही ब्रांड लिखी है, तो इसकी ब्रांड एक्चुअली क्या है वो मुझे भी नहीं पता, लिंक आपको दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए ये पेपलम स्टाइल में ये टॉप है, आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का। और इसकी स्लीव्स इस तरह की हैं, थोड़ा यहाँ पे ऐसा पफ स्लीव्स आएंगी, थोड़ी सी ऐसे थ्री क्वार्टर स्लीव्स हैं, यहाँ इलास्टिक लगा रखी है। और इसकी नेक आप देख पा रहे होंगे ऐसे वी नेक है, फिर यहाँ पे इन्होंने ऐसे रैप स्टाइल कुछ कर रखा है। तो यहाँ पे मॉडल पे तो ये देखा मैंने अच्छा आ रहा था, वैसे भी मुझे भी मैंने ट्राई करके देखा अच्छी फिटिंग आ रही थी, ये जो इन्होंने यहाँ पे रैप स्टाइल दे रखी है ये यहाँ से मुझे लूज है। एक्चुअली इसकी थोड़ा स्टिचिंग का कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे ही ऐसा पीस मिला है, सारे पीस ऐसे हैं, क्योंकि इसके रिव्यूज तो अच्छे थे, मैंने देखे थे और लोगों ने ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेंशन नहीं किया था, तो मे बी हो सकता है मेरा ही पीस ऐसा आया हो। या आप ट्राय ऑन पार्ट में भी एक्चुअली देख पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये जो है ये ऐसे लटकता सा है, ऐसे जैसे ऐसे टाइट ऐसे आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, तो बाकी वैसे ही मुझे ये अच्छा लगा। क्वालिटी भी ओके ओके, काइंड ऑफ ओके ओके है, जितना आप पे कर रहे हैं उस हिसाब की इसकी क्वालिटी है। लुक वाइज ये बहुत अच्छा लगा। दिस वीडियो और काफी सारी और आगे भी फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो आने वाली है, जिसमें कि काफी सारे टॉप्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ और कुर्ता और कुर्ता सेट्स दिखाने वाली हूँ, और मिंत्रा की भी काफी सारी कुर्ताज की वीडियोस आने वाली है, कुर्ता सेट्स की। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स टोटली फ्री। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दे दीजिएगा मुझे, और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड गाइज बाय बाय।